समाजवादी नेता और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई सरकारों में रहे थे मंत्री। शरद यादव के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने जताया शोक, ट्वीट कर व्यक्त की संवेदनाएं, लिखा ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का झज्जर दौरा, झज्जर के प्रतापगढ़ टूरिज्म फार्म हाउस पर पहुंचेंगे सीएम, जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां की गई पूरी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का आज शाम घरौंडा दौरा, इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का करेंगे दौरा, दौरे को लेकर पुलिस बल अलर्ट। विमानों के परिचालन पर दिल्ली एनसीआर में कोहरे का असर, कोहरे के चलते लेट हुई कई फ्लाइट्स। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश के सरपंचों के बारे में जिन्होंने ई टेंडरिंग के खिलाफ, के सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी करने की बात कही थी, 2 लाख रुपए तक विकास कार्यों को बिना टेंडरिंग के कराने के आदेश दिए थे, इसके अलावा भी विकास कार्यों के बजट अनुसार नियम बनाए थे, लेकिन इन विकास कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के नाम पर अधिकारियों को इसमें शामिल कर दिया गया है। सरपंचों को इसके लिए तकनीकी स्वीकृति अफसरों से ही लेनी पड़ेगी। सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग सरपंचों को बर्दाश्त नहीं है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए भ्रष्टाचार अधिकारी करेंगे, सरपंचों को फंसाया जाएगा। सरपंचों को जब तकनीकी अनुमति अफसरों से ही लेनी होगी तो ग्राम पंचायतों की स्वतंत्रता कहां है? ग्राम पंचायतों को 30 लाख रुपए तक के कार्य बिना ई टेंडरिंग कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए। पहले सरपंचों को 20 लाख का कार्य बिना टेंडरिंग कराने का अधिकार था, उसे अब 30 लाख रुपए तक किया जाए। हमने एक मुहिम चलाई हुई है स्टेट में, जो ये ई टेंडरिंग का मुद्दा, इसके खिलाफ हम पूरे हरियाणा के सरपंचों को टोहाना में इकट्ठा करने लगे 15 तारीख को। वहाँ एक कमेटी का गठन करके आगे की आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। 3-4 मुद्दे वो उस दिन पूरे हरियाणा के सरपंच वहाँ पे होंगे, तो सामूहिक रूप से सबकी सलाह से जो जो मुद्दे हैं वो एक मांग पत्र तैयार करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। जो इसमें खामियाँ ये है, जो ई टेंडर प्रक्रिया, इसमें ठेकेदार काम करेगा, ठेकेदार गलत काम करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच की होगी। जिससे काम ठेकेदार करेगा वो अपना, वो तो गांव का नहीं है, सरपंच तो गांव का आदमी होता है, गांव में कोई गलत काम नहीं होने देगा आपके, वो काम करेगा चले जाएगा और सारी 5 साल गाली सरपंच खाएगा। हम चाहते हैं कि हमें पूर्ण अधिकार दिया जाए ताकि हम अपने गाँव का विकास कर सकें। क्योंकि ई टेंडरिंग और कुछ जो वाई आते चीज़ जो मंत्री जी ने बोली हमारे खिलाफ, जो हमारे आत्मसम्मान को छू गए हैं उसके खिलाफ, और जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है, एक ठेकेदारी का सिस्टम है, जिसे जो फिलहाल जो मंत्री है वो अपना सीधा जो अधिकारी उनसे ले सकते हैं, तो इस तरीके से वो खुद चोर है और हमें चोर बता रहे हैं। हमने अब सरपंच बने करीबन 2 महीने हुए और उनको पता लगा कि हम लोग चोर हैं, किस बेस पर किस तरीके से कह सकते हैं। क्या बोला मंत्री ने? मंत्री ने बोला कि जो भी सरपंच के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो चोर है, उसके मन में खोट है। सरपंच नाराज है 2 लाख की आय उसको लेकर के, अपनी पावर को लेकर के, ई टेंडिंग को लेकर के। आपकी मीटिंग के बाद भी कुछ सरपंच खुश नजर नहीं आए, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री साहब से जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई। ऐसा होता, किसी की इच्छाएं कितनी भी हो सकती हैं, उन इच्छाओं पर तो कोई काबू पाना, ये तो स्वयं कोई कर ले तो कर ले, अन्यथा नहीं।
बहुत सी चीज़ें शिकायतें हमको आज भी मिल रही हैं कि पुराने वाले सरपंचों ने लगभग 1000 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तक वापस दिए नहीं हैं, जमा नहीं कराए हैं। रिकॉर्ड जमा नहीं क्यों नहीं कराते हैं? आखिर रिकॉर्ड में तो कुछ दोबारा से सरपंच बनने वाले नहीं है। रिकॉर्ड इसलिए नहीं जमा कराते हैं कि उस रिकॉर्ड में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। हम वो सारी चीज़ों को पारदर्शी करने के लिए सारा चीज़ डिजिटलाइज हो जाए, जितना भी काम सब काम के अधिकार उनको दे दिए हैं। पंचायत के पैसे को पहले जो बड़े काम होते थे प्रदेश सरकार की ओर से डायरेक्टर सेक्रेटरी वो करते थे, हमने वो सब पावर स्थानीय तौर पर दे दी कि जितना भी पैसा गांव का बजट का है सरपंच जो है वो अप्रूव करेगा और उसके बाद एक्शन जो है टेक्निकल अप्रूवल देगा। वो नीचे लेवल पर जेई है, उसके बाद एसडीओ है, फिर एक्सीएन है, फिर एससी है, फिर चीफ इंजीनियर है, सारे सिस्टम बना दिए। सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। टेंडर भी 21 दिन के बजाय 7 दिन में क्लियर हो जाए ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, अगर कैश निकाल निकाल के खर्च करेंगे तो उसका कोई भी प्रमाण होता नहीं है। उसकी सीमा हमने कम से कम रखी है कि 2 लाख रुपए तक का कैश काम करवा सकते हैं, बाकी सब काम टेंडरिंग से कराएंगे और टेंडरिंग से कराएंगे तो पारदर्शिता आएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है कि हमको अपने नेताओं की छवि ठीक करनी है, तो हमने भी अपने चाहे प्रदेश के नेता हों चाहे वो पंचायतों के नेता हों सबकी छवि ठीक हो जाए, शंका के घेरे में कोई ना रहे, इसलिए इस काम को लेकर के आए हैं। और मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी। कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की शिकायत करेंगे, हम उनको भी बैठा के समझाएंगे और अगले 3 महीने में अगर कोई बहुत बड़ा इसमें लगा कि गाँव का कोई नुकसान हो रहा काम का तो फिर सोच भी सकते बाद में है। तो इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंद्र सिंह ढूल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कृष्ण कुटेल हैं प्रवक्ता इनेलो के, और प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले मैं विधु रावल साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, कोई भी फैसला सरकार लेती है पहले उसका विरोध शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों है? क्या सरकार ने सरपंचों को इसके बारे में पहले से नहीं बताया था? विधु रावल जी, से हर खबर हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार, जो हमारे सरपंच भाई और ग्रामीण को भी नमस्ते, हमारे पैनलिस्ट को भी नमस्ते। सरकार जो भी कार्य कर रही है जी, रेवोल्यूशनरी कार्य, वो बहुत पुरानी जो व्यवस्थाएं क्योंकि बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं रह गई थी, जिनसे नुकसान हो रहा था जी, उन व्यवस्थाओं को बदलने का है। लेकिन अगर कुछ इसको लेकर जब भी कोई बदलाव होता है उसको लेकर विरोध तो होता ही है, लेकिन धीरे धीरे जब बात समझ में आ जाती है तो विरोध खत्म भी हो जाता है। हमने पढ़ी लिखी पंचायतों का एक नया आह्वान किया था 2016 में, उसका भी विरोध हुआ था। आज उन्हीं पढ़ी लिखी पंचायतों से ये सरपंच पढ़े लिखे पंचायत। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर विधुराव जी, आपको रोकना चाहूंगा। राकेश जाखड़ हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको क्या दिक्कत है और वो क्यों विरोध कर रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जाखड़ जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? विधुराव जी कंप्लीट करिए अपनी बात। ये तो सरपंचों की छवि सुधारने का एक बहुत ही अप्रतिम प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, कि किस प्रकार से सरपंचों के बारे में जो जो चुनाव हारे हुए होते हैं जी, या जो पूर्व के सरपंच होते हैं या जो बाद के भविष्य में जो चुनावी राजनीति करना चाहते हैं सरपंची की, वो किस प्रकार से आरोप लगाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। सरपंचों की जहां जो सरपंच और ग्राम पंचायत चाहेगी वही काम होने हैं, जिसको अप्रूव करेगी वही काम होंगे, और पैसा जो है वो खुद ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी सरपंच जो है वो देगा। तो इसमें हर्ज क्या है? बंदरबांट होने की बजाय ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ राकेश जी से इसमें हर्ज क्या है। राकेश धनखड़ हमारे साथ, माफ कीजिए, जाखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरपंच एसोसिएशन के प्रधान। राकेश जी, क्या दिक्कत है सरकार के फैसले से? ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत आ रही है? ई टेंडरिंग में दिक्कत ये है जी, सबसे पहले तो अगर जो सरपंच की पावर है गांव ने जिसको चुना है, अगर वो काम करा तो उसमें मंत्री को या सरकार को क्या दिक्कत है भाई? अगर सरपंच अपने लेवल पे कहा ठीक है, अगर आपको सरकार को कहीं ये लगता है कोई सरपंच भ्रष्टाचारी कर रहे हैं या कोई गलत काम करो, उसको प्रॉपर एजेंसी बैठाओ, करा जो भी इंक्वायरी कराने आप लोगों ने। इंक्वायरी की तो बात हो नहीं रही है, सरकार यह कह रही है कि 2 लाख तक का काम आप अपने हिसाब से करा लो, बाकी की ई टेंडरिंग कर लो, पैसा आप ही के पास रहेगा और आप ई टेंडरिंग के माध्यम से काम कराओ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है 2 लाख रुपए मगर एक गांव की नाली की सफाई करा वो भी नहीं होगी, उसकी ई टेंडरिंग करा दो आओगा नहीं, कौन आओगे नाली साफ करने जी? नहीं, बात मैं क्या कह रहा हूँ एक बार सुनिए,
सरकार तो ये कह रही है कि जो भी गांव का काम होना है वो आप ही कराएंगे, आप ही स्वीकृति देंगे, अधिकारी उसमें शामिल होगा, बस ई टेंडरिंग के तहत काम होगा। जी सर, काम पहले जो ई टेंडरिंग पे जो भी प्रोसेस चल रहे सरकार के कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के, पहले उनकी एक बार सर्वे कराए सरकार, कितने सक्सेस है, कितने घातक वो कामयाब है। अगर आज एक मैं एक उससे ही टेंडरिंग के चक्कर में एक गली का दे दिया, दो साल तक गली नहीं हुई, पांच साल का कार्यकाल, सरपंच का काम पूरा, ट्रम पूरा, गांव केंद्र को काम भी नहीं होगा। भाई सरकार को सरपंच अगर काम करे तो सरकार को क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। रविंद्र ढुल जी, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और सरपंचों की जो आशंकाएं हैं, सरपंच जो अपना पक्ष रख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सरकार का जो फैसला है, एक तरफा जो लागू किया गया है, पुरानी जो व्यवस्था को बदल करके पूरी तरह से दरकिनार करके, इससे पहले भी इस प्रकार का फैसला इन्होंने 2016 में किया था, तब उन्होंने इसको घटा करके 10 लाख किया था, उससे ऊपर ही टेंडरिंग की थी, विरोध हुआ तो वापिस उसको उठा करके 20 लाख कर दिया, अब की बार उसको बिल्कुल घटा करके 2 लाख करने का जो काम किया है, मैं मानता हूं कि पूरी तरह से गलत और नाजायज है, पहली बात। दूसरी बात जो है ई टेंडरिंग के, मैं ना तो ई टेंडरिंग का समर्थक हूँ, ना ही ई टेंडरिंग का कोई ऐसा विरोधी हूँ, क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है टेंडरिंग व्यवस्था के अंदर या किसी भी सिस्टम में। कारण क्या है कि भ्रष्टाचार अनवरत है, जैसे पहले था वैसा ही है, अब की बार जो ये इन्होंने जो ये फर्क कर दिया ई टेंडरिंग के द्वारा, जो ये पंचायतों में सौंप दिया, जो पंचायत के जो अधिकारी है, पंचायत के जो उनके हाथ में सबको सौंपने का काम किया, सरपंचों के हाथ से तो कुछ, पंचायतों के हाथ तो कुछ गए नहीं इनके पास में। नहीं, आप जो है मुख्यमंत्री जी विधायकों को तो 5 करोड़ का फंड देते हैं कि भाई आप अपने जो है एस्टिमेट पास कराइए और उसके बाद में काम करिए, कौन सा कैश विड्रॉल का राइट होता था पंचायत के पास? मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, पहले क्या होता था कि भी आप एस्टिमेट बनवाएंगे, एस्टिमेट बनवा करके ऊपर पंचायत विभाग से होता हो, पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री के वहां से साइन होता था, वो एसडी से, और वो HRDF हरियाणा जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उससे वो पैसा बाहर निकाला जाता था, वो पूरा नीचे से ऊपर का प्रोसेस था। ऐसे थोड़ी ना कि भी जाकर के हमने चेक लगाया, पैसा वहां भी निकाल लिया, पहले भी एक व्यवस्था बनी हुई थी और वो मुख्यमंत्री के लेवल तक फंड जब सैंक्शन होता था उसके बाद में ही पंचायत उसका इस्तेमाल करती थी, ऐसे नहीं होता था। तो अब आपने सारी ये सारी व्यवस्था को भ्रष्टाचारी बताने का काम किया, इसका मतलब इससे पहले मुख्यमंत्री ने जितने फंड सैंक्शन किए वो सारे के सारे भ्रष्टाचार था, ये कौन सी बात हुई है? ठीक है, कृष्ण कुटेल जी, सीएम कह रहे हैं कि ये जो सरकार का कदम है ई टेंडरिंग का, इससे पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी और इसका विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों? कृष्ण कुटेल जी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि सीएम साहब कह रहे हैं कि सरकार के इस कदम से, ई टेंडरिंग के फैसले से, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। सरकार ये भी कह रही है कि सरपंच ही स्वीकृति देंगे, सरपंच अपने हिसाब से काम कराएंगे, सरकार कह रही कि हमने पंचायतों के अधिकार बढ़ा दिए हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए इसके अंदर पांडे साहब ऐसा है जी कि जो सरकार सरकार जो बोल रही है, सरकार की नियत के अंदर जो है कि खोट है, जबकि यहाँ पर सांसद और विधायकों के बारे में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि वो पहले अपना एस्टिमेट बनवा करके पास करा करके काम को शुरू करते हैं, लेकिन पंचायतों को जो अधिकार है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है, और ये टोटली इन्होंने जो है कि बंद कर दिया, और जो पंचायतों का जो अधिकार था उसको ये समाप्त 2 लाख किया उसको लेकर। ठीक है, प्रोफेसर विधुरावल साहब, प्रोफेसर विधुरावल जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? सरपंच जो है, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होना, ये तो सरपंचों के खिलाफ साजिश है, ऐसा क्यों? क्यों नहीं सरपंचों को विश्वास में लिया जाता है, लिया जा रहा है, और उनको पूरा मामला समझाया जाता, ज्यादा सरपंच भी नहीं होंगे गांव के, कुछ ही लोग होते हैं। दुर्गेश जी, 6,500 के करीब करीब हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतें हैं, इतने ही सरपंच हैं जी। इसके अलावा आपका ये कहना कि सरपंचों
सरपंच कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब फर्क नहीं पड़ेगा तो विरोध किस बात का? नहीं नहीं, सरपंच की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि आपकी विरोधी जो पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि इससे जो टेंडरिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, टेंडरिंग से अभी रविंद्र सिंह ढूल जी ने कही थी ये बात कि भ्रष्टाचार तो जस का तस है। दुर्गेश जी, ये तो रटी रटाई बात, हर जगह एक ही टेम्पलेट फिट कर देते हैं, फर्क क्यों नहीं आ रहा? फर्क तो भयंकर आ रहा है। फिर उल्टा जिनका काम अप्रूवल से पहले से होता रहा है उनका भी इन्होंने उदाहरण उल्टा कोट कर दिया। ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से एमएलए और एमपी के फंड जो होता है, इन्होंने बताया, खुद ही बताया कि एमएलए और एमपी जो है 2 लाख की आय उसको लेकर के। ये मेरे साथ आवाज आ रही है जी, किसी की कोई बोल रहा है क्या बीच में? जी वो कह रहे हैं कि 2 लाख तक का जो कैप लगाया गया है इसको लेके क्या कहना है, उस पर सवाल कर रहे हैं सरपंच जो है। जी सरपंच है, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है हमारे साथ राकेश धनखड़ जी, राकेश जाखड़ जी, उनकी उनकी आवाज थी ये। वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का जो कैप है तो, और उसके बाद जो आप दे रहे हैं राशि काम कराने के लिए, लेकिन उसमें जो तकनीकी स्वीकृति है वो तो अधिकारी देंगे, तो फिर इसमें पंचायतों के अधिकार की बात कहां से आ गई? पंचायतों का अधिकार बढ़ कहां रहा है जब इसमें अधिकारी शामिल हो गए? तो देखिए, आपको मेरी बात पूरी संपूर्णता में सुननी पड़ेगी, सभी बात ध्यान में आएगी। पहली बात तो ये है कि ये जो बात की जा रही है, जिस संदर्भ में बात की जा रही है उस संदर्भ को समझिए जी। 2-3 जो डाउट यहाँ पर कृत्रिम डाउट खड़े किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, वो पहला तो ये कि टेंडरिंग से किसी प्रकार से फर्क नहीं पड़ता। पहला सवाल तो ये था, फर्क क्यों नहीं पड़ता? पहले अपनी मन मर्जी के लोगों को ठेकेदार बनाकर पेश कर दिया जाता था, उनसे काम करवा दिए जाते थे। आधे से ज्यादा ऐसे स्थान होते थे जो रिश्तेदार सरपंच का अपने रिश्तेदारों से काम करवाया करता था, अपनी मामी की, फूफी की, मौसी के बच्चों से काम करवाता था। अब उसकी बजाय जो सबसे कम पैसों में काम करेगा, पैसा तो ग्राम पंचायत का है, सबसे कम पैसों में काम करेगा तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ई टेंडरिंग क्या है? टेंडरिंग का पहला प्रोसेस ही यही है, जो सबसे कम बिड लगाएगा उसको टेंडर मिल जाएगा, एक बात। दूसरी बात जो है, इनका कहना कि भाई इससे किसी प्रकार से कोई दिक्कत आएगी, कैसी आएगी भाई दिक्कत? जो जो सरपंच कहेगा, जिस जो वो प्रस्ताव भेजेगी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वही उसी प्रस्ताव के ऊपर जो है टेंडर छूटेंगे। टेंडर लगने के बाद भी काम की गुणवत्ता की जांच करने के लिए 3 मेमोरी कमेटी है, उसका काम ठीक हुआ है नहीं हुआ, उस मेमोरी कमेटी का अध्यक्ष भी सरपंच खुद है, और साथ में उसमें एक्सियन है जो कि टेक्निकल पहलू देखेगा। अब सरपंच जो है एक सिविल इंजीनियर के बराबर तो नहीं खड़े हो सकते ना टेक्निकल पहलू देखने के लिए, और सिविल इंजीनियर जो एक्सियन है उनको हमने या सिविल है। सरपंचों का यह भी कहना कि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो अधिकारी निकल जाएंगे और वो फंस जाएंगे मामले में, वो उल्टा अब से पहले जब अपनी मनमर्जी से अपना काम करवाना या नहीं करवाना, पैसों में दिखा देना, उसमें तो सरपंचों के फंसने की गुंजाइश थी। यहाँ तो हर चीज जो है पारदर्शी हो गई, और साथ में समितियों के माध्यम से हो गई। समितियों के माध्यम से होगी तो पूरी समिति उसके लिए अकाउंटेबल होगी, और अंत में लास्ट में जब पैसा रिलीज होगा तो पैसा किसके सिग्नेचर से रिलीज होगा? उस सरपंच के पैसे से होगा। अगर उसको ये लगेगा कि ये काम ठीक नहीं हुआ है तो पैसा रिलीज नहीं होगा, सीधी बात। उल्टा पहले लंबे लंबे समय तक जो है ये लटकता रहता था। और दुर्गेश जी एक बात और मुझे कहने दीजिए, इन्होंने अभी ऋषि जाखड़ ने कहा कि 2 लाख रुपए में तो गांव की नाली भी साफ नहीं होती, तो ये इसी कारण से तो ये टेंडरिंग करनी पड़ी कि 2-2 लाख रुपए में आप नाली भी साफ नहीं करवा पा रहे थे। अब देखिएगा 2 लाख में कितने काम हो जाएंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए में नाली भी साफ नहीं होती, ऐसा मेरे भाई ऋषि जाखड़ जी ने कहा। इनके गांव की नालियां 2-2 लाख में नहीं साफ हो रही थी, लेकिन अब देखना ई टेंडरिंग होगी तो 2 लाख में इनके पड़ोस के गांव की भी नालियां साफ हो जाएंगी। क्यों? राकेश जाखड़ से फिर से सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, विधु रावल जी ने तफसील से समझा दिया क्या है मामला, आपके ही सिग्नेचर से पैसा पास होगा, अगर काम में कोई गड़बड़ी है तो आप सिग्नेचर मत कीजिएगा और ठेकेदार का पैसा नहीं जाएगा। ये तो आपको ही सशक्त कर रही है सरकार, ताकत तो आपके हाथ में आ गई। भाई साहब ने एक बात रखी है, जैसे ई टेंडरिंग जो होगी उसके अंदर जो सबसे लो रेट जो भी डालेगा उसको काम दिया जाएगा। सपोज करो 20 लाख रुपए का काम है और लो रेट वाले ने डाल दिया 15 लाख रुपए, तो उसमें गुणवत्ता कहां से आ जाएगी?
तो वो अपना सोच समझ के ही डालेगा ना, अगर 15 लाख में काम नहीं हो सकता है तो नहीं डालेगा 15 लाख। अभी तो भाई अभी यही तो कह रहे हैं कि लो रेट वाले को दिया जाएगा, लो रेट वालों किसी ने डाल दिया 14 लाख रुपए, वो गुणवत्ता सही कहां से आ जाएगी? 20 लाख का काम अगर 14 लाख में कोई आदमी लेगा ही ट्रेनिंग में कैसे कर देगा उसको? ये सब इनकी सरकार की मंत्री की मिली भगत है और सरपंचों की जो पावर खत्म करने के ऊपर जो छोटी सरकार है गाँव की चुनी उसको खत्म करना चाहते हैं, कोई टारगेट नहीं इन लोगों का। ठीक ठीक, रविंद्र सिंह ढूल जी, आपको भी क्या ऐसे ही लगता है कि सरकार सरपंचों को या पंचायतों को सशक्त करने के बहाने उनको कमजोर कर रही है, उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पर ऐसा ही लगता है, क्योंकि इनके पास में और तो कुछ होता ही नहीं था। सरपंचों के पास में, ग्राम पंचायतों के पास में, ग्रामीण विकास के नाम पे ये थोड़ा बहुत अपना फंड का इस्तेमाल करके, जो इनके पास में डिस्क्रिशनरी फंड भी नहीं होता बेसिकली। ये सबसे ज्यादा जो सरकार के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है वो ये है कि इनके पास में 20 लाख रुपए तक का फंड होता था, इनके पास कोई फंड नहीं होता था, केवल एस्टिमेट लेकर के और उनको बीडीपीओ लेवल से नीचे से ऊपर फाइल को मूवमेंट करा के मुख्यमंत्री लेवल से सैंक्शन किया जाता एस्टिमेट से, उसके बाद ही काम एग्जीक्यूट होते थे। पूरा लंबा एक सीढ़ी थी, ऐसा नहीं है कि हम जाकर के गाँव में से जाकर के अपना बैंक से जाकर के उसको पंचायत के फंड को निकाल लेंगे। तो जब इतनी ज्यादा एक मजबूत व्यवस्था पहले से थी उसमें 20 लाख रुपए तक का इसलिए रहता था डिस्क्रिशनरी कि भी अपने हिसाब से जो है ना पंचायतों को ठीक लगता था, आसपास के जो जो सिस्टम को समझने वाले जो भी लोग थे, या चाहे आपके गांव के जो मजदूर हैं जो मनरेगा के अंदर जिनसे मजदूरी करानी है, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को लगा करके छोटे मोटे काम पंचायतों में चलते रहते थे। अभी इन सभी के सभी कामों को इन्होंने जबरदस्ती करके ई टेंडरिंग के अंदर फंसाने का काम किया है, जिससे होना कुछ नहीं है, होगा केवल ये मात्र कि पहली बात तो ना तो मजदूर गांव के जो लोग थे जिनको मजदूरी मिलती थी मनरेगा में, उनको को मजदूरी मिलने वाली, ये बात तो बिल्कुल तय मानी है। मनरेगा का जो मुद्दा उठाया आपने, ये बहुत अच्छा मुद्दा है जी। तो कृष्ण कुटेल जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्था होती थी पूरी व्यवस्था को हिलाने का काम किया इन्होंने। जी जी ठीक है। कृष्ण कुटेल जी, सरकार का कहना है कि फाइलें जो पहले घूमती रहती थी उसमें ज्यादा समय लगता था, उसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि इतने समय में फाइलों को मंजूरी दे देगी, अब सीएम तक मामला ही नहीं जाएगा, किसी मंत्री तक मामला ही नहीं जाएगा, तो जो टेंडर का काम है वो जल्दी होगा और काम जल्दी से हो सकेगा, ये कहना है सरकार का। देखिए दुर्गेश जी, इसके अंदर जो सरकार की जो मंशा है, जो पंचायती राज है, तो उसके जो भी अधिकार है उसको खत्म करने की मंशा इस सरकार की है, और ये उसको जो है कि खत्म करने पे जो है कि वो तुली हुई है, और जिस प्रकार से इन्होंने 2 साल तक जो है कि चुनाव, पंचायती चुनाव नहीं करवाया, तो उसके अंदर अधिकारियों ने जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो लूटने का काम किया है, और बहुत से अधिकारी जो है कि वो सस्पेंड भी हुए हैं, और जो है कि जो ई टेंडरिंग का मामला है, और ई टेंडरिंग के जरिए जो है कि सरकार कहती है कि भी इस प्रकार से जो है कि काम होंगे, तो यहाँ पर जो मनरेगा के द्वारा जो गाँव के अंदर जो कार्य होते थे, छोटे मोटे कार्य जो है कि मनरेगा के द्वारा जो है कि करा लिए जाते थे, तो लेकिन ये नकेल कसने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि कर रही है। और दूसरी बात जो देखने को जो मिली है कि चुनाव के अंदर जो है कि टोटली जो गांव के अंदर जो भी सरपंच वगैरह बने हैं और पंचायतें जो भी बनी है वो सरकार के विरोधी पंचायतें हैं, और ये जो है कि उनको तंग करने का काम कर रही है, ताकि जो है कि ये लोग तंग होकर के जो है कि हमारी लाइन में खड़े होकर के जो है कि और जो है कि हम लोगों के साथ मिलकर के जो है कि ये काम को करें, और आने वाले समय 2024 के चुनाव को जो है कि ये मद्देनजर देख रहे हैं। तो आज पूरा हरियाणा प्रदेश जो है, चाहे वो सरपंचों को ले, चाहे पंचों को ले, ब्लॉक समिति सदस्यों को ले, जिला परिषद सदस्यों को ले, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्करों को ले, आप चाहे कर्मचारियों को ले, चाहे व्यापारी वर्ग को ले, मजदूर को ले, युवा को ले, लेकिन आज सभी के सब जो है कि वो परेशान है, और जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं। जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर विधुरावल से। प्रोफेसर विधुरावल जी, आपने सभी की बातें सुनी, इसके साथ मनरेगा का क्या होगा सर? विधुरावल साहब, प्रोफेसर विधुरावल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जो एक मिनट मैं बोलूं बीच में। जी बोलिए। जो जिस ई टेंडरिंग की बात आज ये मंत्री कर रहे हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी सरकार पे एक सवालिया निशान लगाया था भ्रष्टाचार का,
ई टेंडरिंग के अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने लग रहा है। ठीक है, खुद देवेंद्र बबली के बयान से जब तक ये मंत्री नहीं थे आज ही इसको पारदर्शिता बताने लग रहे हैं। ठीक है ठीक है। प्रोफेसर विदुरावल साहब आवाज मिल रही है आपको? रविंद्र सिंह ढुल जी आपको क्या लगता है ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता नहीं आएगी, मनरेगा खतरे में पड़ जाएगा, तो जो भ्रष्टाचार है ये जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार है ये हर कोई जानता है, तो उसपे आखिर नकेल कसने के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? देखिए मैं बताऊं कि भ्रष्टाचार जो नकेल कसनी है तो जनप्रतिनिधियों की जगह यदि हम अधिकारियों को थोड़ा सा मजबूत उसको मजबूती से उनके ऊपर जो है रस्ता कसेंगे तब जाकर के भ्रष्टाचार रुकता है। भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा बड़ा विभत्स रूप जो है अधिकारियों के सामने आता है क्योंकि उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती। जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे उससे बड़ा हो उन सबकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जनता उनको रिकॉल कर सकती है, जनता उनके उनको कल को चुनाव में हरा सकती है, तो उनको जिम्मेदारी के साथ में काम करना होता है। ऐसे नहीं है कि गैर जिम्मेदारी तरीके से इन अधिकारी जिन अधिकारियों के हाथ में सिस्टम सौंपने का काम किए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती ना जवाबदेही होती, उनकी जवाबदेही ऊपर अधिकारियों के प्रति होती जनता के प्रति नहीं होती। भ्रष्टाचार पर नकेल डालनी है तो आप पंचायतों के ऊपर रस्ता कसने की जगह पंचायत विभाग के जो अधिकारी है ना उनके ऊपर रस्ता कसिए। भ्रष्टाचार समय की कमी है हमारे पास, आप हमारे साथ जुड़े अपना 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 समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण कुटल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और राकेश जाखड़ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।